हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देखें कि मैं भोपाल में हूँ, तो अब मैं भोपाल से निकल के जाने वाली हूँ उज्जैन, और मैं तैयार हो गई हूँ। मेरा बाबू तैयार हो रहा है, बस कुछ देर में हम लोग निकल जाएंगे बाहर। तो अब मैं बैठ गई हूँ ऑटो में बस स्टैंड के लिए, वहाँ से हम लोग चार्टर्ड बस पकड़ेंगे। और ये मेरी परी खा रही है बिस्किट आइसक्रीम, उसे बहुत पसंद आ रहा था तो वो बहुत जिद की, तो हम लोग कहा कि अच्छा चलो ले लेते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग सीधा बस करेंगे उज्जैन के लिए, चार्टर्ड बस। और यहाँ हम लोग आ गए हैं चार्टर्ड बस के पास। यहाँ से वो जो सामने बस दिख रही है उसमें हम लोग बैठेंगे, वो हम लोगों को लेके जाएगी सीधा बस स्टैंड। तो यहाँ परी महारानी अपनी सीट पे बैठी हैं, इंजॉय कर रही हैं रास्ते का। और रास्ता बहुत सुंदर था, ऐसे भी भोपाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है, उसे बड़ा लेक और छोटा लेक, दो लेक यहाँ कहते हैं, जो अभी अभी आएगा आप लोग देखेंगे। और वो लेक इतना बड़ा है ना कि मतलब समझ में नहीं आया कि वो ख़त्म कहाँ पे हुआ है। बस में हमारे साथ एक लोग बैठे थे, उनसे भी मैं पूछी तो वो बोले कि पता नहीं ये ख़त्म कहाँ हुआ है। ये देखिए बहुत बड़े में, बहुत विशाल में है ये, और बहुत ही सुंदर है। जाने का वक्त नहीं मिला इसलिए मैं जा नहीं पाई, फिर किसी दिन अगर आऊँगी भोपाल तो ये लेक में ज़रूर घूमूँगी, पक्का घूमूँगी। और अब मैं अपने बस में बैठ गई हूँ अपनी सीट पर। परी एकदम से थक गई है, उसे नींद बहुत आ रही थी, बेचारी सफ़र करते करते थक गई है। और ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से सफ़र करना, ट्रेन से, बस से, कार से, बाइक से, खुला आसमान देखो, मज़े लो, और बहुत अच्छा लगा। और बस एक जगह होटल में रुकी, होटल तो बहुत अच्छा था बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा इस होटल का, बहुत बुरी चीज़ें थी, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, दिमाग गर्म हो गया। और परी को बाथरूम जाना था तो यहाँ का बाथरूम देखिए, VIP बाथरूम था, बहुत ही क्लीन, साफ़ सुथरा, और मतलब बहुत अच्छा बाथरूम था, बढ़िया सुविधा थी। वहाँ मैंने परी को फ्रेश करवाया, उसके थोड़े से बाल वाल ठीक किए, अपने भी ठीक ठाक किए, अपना मेकअप शेकअप मैंने कर लिया परी को फ़ोटो खींचना था तो उसका मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किया। और उसके बाद उसी होटल में बाहर निकल के, ये देख रहे हैं राजस्थानी मारवाड़ी टाइप का, ये लोग इतने सुंदर राजस्थानी जैसा ये पूरा सजाया हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया। और पूरी मिट्टी की ये बनी हुई थी, बढ़िया बात ये था कि पूरी मिट्टी का बना हुआ था, और इस मिट्टी पे उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया हुआ था, पूरे कांच से डेकोरेशन किया हुआ था। और मेरा बेटा बता रहे मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि मुझे, आप लोगों को पता है कि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, वो बताता रहता है जैसे तैसे। और ये देखिए बाहर में भी कितना सुंदर ये सजाया हुआ था, पूरी मिट्टी का ये बना हुआ था। और जब उसके अंदर गई ना मुझे बहुत मज़ा आया। बस यही था कि इस होटल में मुझे खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था, और मेरा बाबू कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, वो ये सोचा कि मम्मी आएगी तो ऑर्डर करेगी। परी को मैं फ्रेश कराने लेके चली गई, वो कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए थोड़ा सा मूड माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया था, बट कोई नहीं, चलता है। और फिर हम लोग वापस से बस में बैठ गए, और उस समय बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और ये पीछे से मेरा बेटा वीडियो बना रहा था जो मुझे नहीं पता था, बाद में उसने मुझे दिया, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग उज्जैन पहुंच चुके। और पहुंचते ही इतना बादल घेरा हुआ था ना, ये देख रहे हैं ये बादल, ये कोई फिल्टर नहीं है, नॉर्मल है बादल, इतना काला। और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश ना कि जैसे भोले बाबा खुश हो गए, आए हाय मेरी बेटी आ गई और ये देखिए उज्जैन की ये मंदिर और कॉरिडोर। उज्जैन में हाँ मोबाइल ले जाना अलाउ है, बट लेकिन आप अंदर तक नहीं ले जा सकते, अंदर आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए अंदर तक का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बारिश हो जाने की वजह से थोड़ा सा रास्ता वहाँ पे किचिर पिचिर हो गया था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, साफ़ सुथरा नहीं था वहाँ पर, बट लेकिन अच्छा था। मार्केट भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ की मार्केट ऐसा नहीं है भीड़ भाड़ वाला, मुझे मार्केट देखने को तो नहीं मिला। मैं और परी प्रसाद ले लिए थे, और प्रसाद भी बहुत महंगा वहाँ पर नहीं है, आप बहुत कम बजट में अच्छे से उज्जैन घूम सकते हैं। और कहते हैं कालों के काल महाकाल के दर्शन करिए, और वहाँ से दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टोटो बुक कर लिया, और पूरा उज्जैन हम लोगों ने एक रात में ही घूम के हम लोग अपना सफ़र ख़त्म किए। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे उज्जैन से नर्मदा ओंकारेश्वर घूमने, बस ऐसे ही हम लोगों ने पूरा घूमा वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए बाहर हम लोग जब दर्शन करके निकले तो ये बाहर की मंदिर है जो ये सब मेरा बेटा रिकॉर्ड किया है, और बहुत सुंदर लग रहा था उस समय। तो वहाँ का मौसम भी इतना सुहाना हो गया था ना कि मतलब बस बाबा का दर्शन करके आए और मन खुश, मौसम देख के मन और तन दोनों खुश, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर जाएँ और बाबा भोले भंडारी आप लोगों की मनोकामना पूरी करें, है ना। तो आप लोग ज़रूर उज्जैन जाइएगा और दर्शन करिएगा। फिर वहाँ से ही बताए, ये देखिए बाहर निकल के हम लोग,
और वहाँ पे सबसे अच्छा उज्जैन मंदिर की एक खासियत क्या है पता है, यहाँ जो ये पंडित जी बैठे हैं, दो तरफ दो पंडित जी बैठे हैं, ये आपको वहीं पे रक्षा बांध देते हैं, और ऑरेंज और येलो कलर का रक्षा होता है ये लोग वहीं पे बांध देते हैं। और यहाँ पे भी जो बाबा हैं उनको भी ऐसे सिंगार करके सजाया गया था। और ये कॉरिडोर है उज्जैन में जो नया कॉरिडोर बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर बहुत बड़े में बना है। अगर आपको सिर्फ कॉरिडोर घूमना है तो आप रात के वक्त में जाइए, लाइटिंग इतनी सुंदर आपको लगेगी ना कि मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मंदिर है। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पे बने हुए हैं, और बहुत बड़े में कॉरिडोर बना हुआ है, लाइटिंग इसकी बहुत ही सुंदर है। क्योंकि हम लोग को रात भर में ही पूरा घूमना था उज्जैन, इसलिए लाइट तो जल गई थी बट लेकिन बहुत देर तक हम लोग वहाँ पर नहीं रुक पाए। जितना हो सका उतना कॉरिडोर का मेरे बेटे ने वीडियो बनाया, और यहाँ सबसे अच्छा रात के वक्त में बहुत मज़ा आता है, मुझे सच बताऊँ आते समय मैंने देखा। और फिर हम लोग काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए, वहाँ पे जितने भी मंदिर थे, काल भैरव बाबा, गणेश भगवान जी और काली माँ और बहुत से देवी देवताओं के थे, और मंगल ग्रह का भी वहाँ पे है, मंगल देवता के नाम से मंदिर है, बहुत बड़े में है, वहाँ भी गई मैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए मोबाइल निकाल के हम लोगों ने बनाया। और दूसरे दिन फिर हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल गए, यहाँ रास्ता में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मुझे इस तरीके से कार में बैठना बहुत पसंद है, बाइक पे बाल खोल के हवा खाते हुए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था इसलिए कोई टेंशन नहीं था। कार तो मैंने एसी वाला बुक करवाया हुआ था बट लेकिन मौसम की वजह से कोई टेंशन नहीं हुआ, रात को भले से एसी चालू करके हम लोग आए क्योंकि उसमें गर्मी लग रही थी। और वहाँ पहुँच के हम लोग सबसे पहले गए वहाँ नहाने नर्मदा घाट पहुँचे, जो बहुत अच्छा लगा, और रोड वहाँ की बाकी बहुत अच्छी थी, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, रात के वक्त में ट्रैफिक था बट लेकिन दिन में ऐसा कोई भी ट्रैफिक नहीं था, और मौसम बहुत अच्छा था। पता नहीं क्या बात था कि जितने दिन हम लोग रुके हुए थे उतने दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, 4-5 दिन का मतलब मेरा ट्रिप था, और मौसम ने तो एकदम खुश कर दिया, इतना ठंडा मौसम हो गया था, बारिश तो जो हो ही रहा था बट लेकिन मौसम इतना ठंडा हो गया था कि घूमने का मज़ा ही दुगना हो गया, बहुत मज़ा आया हम लोगों का। और इस तरीके से सफ़र में अगर आपका मौसम अच्छा रहे ना तो सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पे जब हम लोग घाट पे पहुँचे ना तो ये देखिए राधा वल्लभ, बहुत अच्छा लगा, मैंने उनका वीडियो बनाया छोटा सा। तो हम लोग आ गए हैं नर्मदा घाट, और नर्मदा घाट का पानी देख के लग रहा है कि हम लोग आ गए हैं दिल्ली के यमुना, जो समझ में नहीं आ रहा। एक बार पहले मैं आ चुकी हूँ लेकिन ये घाट नहीं है, ये कोई दूसरा घाट है बट लेकिन है। और ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है, हमको तो दिखलाओ, देखो ना पानी पूरा सूख चुका है, आप देखते हैं कि नीचे उतर के कि पानी कैसा है। फिलहाल बहुत सालों बाद में आई हूँ, सच कहूँ तो बहुत सालों बाद ही मैं ट्रिप पे निकली हूँ। मैं जब आई थी नर्मदा अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई थी, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, और आज मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ और एक छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी नहीं आई क्योंकि उसका 10th class का पढ़ाई चल रहा है, वो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना चाहती, उसके कोचिंग टीचर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो बोले एक दिन भी मिस नहीं करना। तो अब मैं आ चुकी हूँ नर्मदा घाट और यहाँ पे करूँगी नहाने की तैयारी, क्योंकि ये ड्रेस आप देख रहे हैं मैंने कंटिन्यू पहना हुआ है, और देखते हैं जिसे मैं आई थी वो एक अलग ही नज़ारा था, और अभी का नज़ारा ये है कि पानी कम हो गया है ना तो पहाड़ बहुत दिख रहा है, बहुत पहाड़, और परी बहुत इंजॉय कर रही है ना, परी मज़ा आ रहा है ना। हाँ। दीदी को मिस कर रही हो? आ जाओ उस साइड नहाने के लिए, उधर जाना है नहाने के लिए, उधर जाना है क्योंकि इधर बोटिंग लगी है ना, यहाँ से बोटिंग भी जा रही है। हाँ ओंकारेश्वर, हाँ ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए यहाँ से बोट भी जाता है, तो अभी पहले हम लोग नहाएंगे उसके बाद बोटिंग करेंगे बोट पे बैठेंगे। और पता है दोस्तों कुछ महीने, कुछ साल नहीं महीने, कुछ महीनों में घर से बाहर निकलना चाहिए, मूड माइंड बॉडी सब चीज़ चेंज हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए चीज़ें देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस होता है, किताबों से मोबाइल से कितना एक्सपीरियंस लेंगे, लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। मैं सामान देख रही थी और बाबू मेरा नहाने गया, वो थोड़ा सा बहुत संकोची है
शर्मिला है, यहाँ इतने लोगों को देख के उसे नहाने में बहुत शर्म आ रही थी। और ये पूरा नर्मदा घाट का है, देखिए लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अच्छा जगह है, मस्त जगह है, आप लोग जाइए, इंजॉय करिए, कुछ पल अपनी फैमिली के साथ अपने लिए निकालिए। और यहाँ देखिए मेरा बाबू अकेले बेचारा कितना दूर जाके नहा रहे, और डुबकी मार के पता है वो क्या कर रहा था? सब कहते हैं ना नर्मदा में नहाओ तो डुबकी डालो अंदर, तो उसमें से जो भी पत्थर निकले उसे अपने घर लेके जाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। तो वो वही काम कर रहा था, मैंने उसे कहा था, तो वो डुबकी मार के वहाँ से सब कर रहा था कि अच्छा कुछ पत्थर निकाल लिया जाए। और पुलिस वाले वहाँ पर हर वक्त तैनात थे कि किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा बोली भाषा में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नदी में नहा लिए, नहा के तैयार हो गए हैं, पीला पीला कपड़ा पहन लिए हैं, और साथ में गुरु महाराज, कहाँ गए गुरु महाराज? ये है गुरु महाराज और ये है परी महारानी। अब हम लोग जाएंगे कौन सा मंदिर? ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने। तो मेरे साथ बने रहिए और दर्शन करिए, अगर मोबाइल ले जाना अलाउ हुआ तो आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी, नहीं अलाउ हुआ तो फिर हर हर महादेव दूर से करिए। और आप लोग भी ज़रूर आइए, उज्जैन आइए, ओंकारेश्वर आइए, नर्मदा आइए, आना चाहिए, है ना? तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैं बोर्ड में बैठ गई हूँ, और सिर्फ इस बार से उस पार ले जाने का 50 रुपया, उफ क्या ही बताएं, बट लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, देना पड़ा। थोड़ा सा ही दूर था बस, इस बार से उस पार ही जाना था, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। बट लेकिन भाई उन लोगों की भी अपनी कमाई है, इसी से वो लोग भी कमाते हैं, तो उसके आगे क्या ही बोला जा सकता है। और इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि इधर सुधर नाव हो रहा था, एक लोग तो बैठी थी बेचारी, वो इतना रो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे तब बैठना ही नहीं चाहिए था अगर उसे इतना डर लग रहा था, लेकिन वो बहुत डर रही थी, बाप रे बाप। फिर हम लोग उतर के वहाँ पे गए, और जानते हैं वहाँ का प्रसाद का 1 रुपया, 1 रुपये में आपको फूल माला सब मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पहुँच गए ओंकारेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए। और हम लोगों की नसीब इतनी तेज़ थी ना, ये देखिए ये VIP लाइन था, लेकिन उसके बाद भी बहुत भीड़ था। और हम लोगों की नसीब का हम बता रहे हैं, मेरी नसीब इतनी तेज़ थी, पता नहीं कौन सी शक्ति, किसका प्यार, किसका आशीर्वाद मेरे साथ था, कि मैंने सामने से दर्शन किया, उनका सिंगार देखा, जो सबके नसीब में नहीं होता। पंडित जी बोले ठीक है आप मोबाइल निकाल के बना लीजिए वीडियो, मैंने ये वीडियो बनाया सामने से। और सबसे सामने लाइन में हम लोग खड़े थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और साथ में क्या ही बताऊँ, शक्ति। कोई ऐसी शक्ति आपके साथ होती है जो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी कर देती है, वही मेरे साथ हुआ, मुझे दर्शन करके बहुत सुख मिला। और वहाँ से फिर हम लोग नदी पार किए नर्मदा का, और वहाँ पे भी एक भोले बाबा का था, नाम पता नहीं भूल गई, बहुत अच्छा था। और वहाँ पे भी जाकर मैं दर्शन करके आई, और ये पूरा नर्मदा पुल बना हुआ था, तो ये हुआ कि अब नाव से नहीं, हम लोग पैदल ही नदी को पुल के ज़रिए क्रॉस करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था इसलिए आराम आराम से हम लोग गए, और इस मंदिर में हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। और आप भी दर्शन करिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मुझे प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कहीं गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, ये आप लोग जानते हैं, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और अब मैं अपने घर के लिए निकल गई हूँ, अपने सफ़र में, अपनी ट्रेन में मैं बैठ गई हूँ, अब मैं अपने घर जाऊँगी। और घर में 4-5 दिनों से मैं हूँ नहीं, तो मेरी बेटी क्या कर रही है, उससे ढेर सारा प्यार दूँगी, और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और आप अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल और मेरा ख्याल एक होना चाहिए, है ना? तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।